इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर कृषि उपज मंडी स्थित एक गोदाम पर खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त छापा मारा है। टीम को शिकायत प्राप्त हुई थी कि गोदाम सस्ते दर वाला सरकारी अनाज भरा है। छापा पड़ते ही गोदाम संचालक सत्येंद्र पाल सिंह गुजराल मौके से फरार हो गया। मंडी स्थित इस गोदाम में सरकारी राशन दुकानों में लाए गए राशन का 130 क्विंटल से ज्यादा पीडीएस का गेहूं मिला, अन्य भी कुछ संग्रहण पाया गया है। शिकायत के आधार पर मारे गए छापे की यह कार्रवाई जारी है। सूत्रों के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम और कृषि उपज मंडी अधिनियम की धाराओं के साथ साथ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि एक पूर्व विधायक के करीब रिश्तेदार का ये वेयर हाउस है, गोदाम है। वहाँ क्राइम ब्रांच पुलिस वालों ने कुछ गेहूं पकड़ा है, जा करके वहाँ जांच करो। मैं अभी आया हूँ, अब इसमें जो भी कार्रवाई होगी जांच की, नागरिक आपूर्ति निगम जो इशू सेंटर है जिससे माल दुकानों में पहुँचता है उनको बुलाया है, उनसे मिलान कराएंगे। अगर गेहूं पीडीएस का है, मंडी सचिव को भी बुला रहे हैं कि इस ट्रेडर्स में कितना स्टॉक होना चाहिए था। पुलिस वालों ने बताया कि गेहूँ पुलिस वालों ने और एक व्यक्ति है उसका नाम रियाजुद्दीन है, उसने ये बताया कि दुकान जो 271 नंबर दुकान है जाकर हुसैनबाड़ में, उसके हितग्राहियों से और आसपास के हितग्राही जो राशन दुकान से गेहूं ले लेते हैं और फिर उनसे खरीद करके वो बेच के मंडी में लाता है, ऐसा उसने स्टेटमेंट अभी प्राथमिक रूप से दिया है। जबलपुर में बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपराध करने से भी नहीं चूक रहे हैं। शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द शहर में अपराधों पर अंकुश लगाई जाए। इसके साथ ही ऑनलाइन चाइना के चाकू की खरीद फरोख पर प्रतिबंध लगाया जाए। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर पुलिस प्रशासन इसे रोकने में नाकाम रहती है तो वे शीघ्र उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि चाइना के चाकू की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने ऑनलाइन कंपनियों के संचालकों को पत्र भेजा है। जिस तरह से शहर में अपराध तेजी से बढ़ रहा है, कहीं लूट, हत्याएं, चोरी, डकैती, अपहरण, गोलीकांड, चाकूबाजी, ये आम घटनाएं हो चुकी हैं। महिलाएं घर से निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, कहीं चैन स्नैचिंग ना हो जाए, कहीं उनसे लूट ना हो जाए या उनका अपहरण ना हो जाए। आज इसी के संदर्भ में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की कि जल्द से जल्द शहर में अपराध पर अंकुश लगाया जाए। अगर जल्द ही अपराध पर अंकुश नहीं लगता तो हमारे द्वारा उग्र से उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और सत्ता पक्ष होगा। जबलपुर में करौंदा बाईपास से लेकर आधारताल तक की सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। यहां से गुजरने वालों को धूल माटी से लेकर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होना अब आम बात हो चुकी है, लेकिन इसे बनवाने के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता। यह क्षेत्र पनागर विधानसभा के भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु का है, लेकिन उसका ध्यान भी जर्जर हो चुकी सड़क पर नहीं है। क्षेत्रीय लोग मांग कर रहे हैं कि नेता वोट की राजनीति से ध्यान हटाकर जनता के कल्याण में लगाएं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर आज शर्मसार हुई है। बरगी में जहां एक दिव्यांग महिला के साथ घर में घुसकर रेप किया गया, तो वहीं अब 10 साल की बच्ची के साथ पड़ोस पर रहने वाले 21 साल के युवक ने बलात्कार किया। जब परिजनों को इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मासूम बच्ची को साथ ले जाकर मुलाजा करवाया और आरोपी युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल का मुआयना किया और बच्ची को सेफ किया और मुलाइजा के लिए भेजा गया और तुरंत ही मुखबिर मामूर करके और अपने सोर्सेस से अगले ही दिन हमने पता करके 21 तारीख को आरोपी सुनेश को, जो कि 21 वर्षीय युवक है, उसको गिरफ्तार किया। उसको आज न्यायालय में पेश किया गया है। जबलपुर के पनागर हाईवे पर बुधवार को कार और मोटरसाइकिल में सीधी भिड़ंत हुई है। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार सुरेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि पनागर हाईवे पर एक कार जा रही थी, तभी गांव का एक युवक मोटरसाइकिल लेकर गांव की ओर से हाईवे पर आ रहा था, तभी तेज रफ्तार से आती कार ने टक्कर मार दी। घटना के मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल में बैठी एक महिला भी गंभीर रूप से घायल है। ये ऐसे हुआ कि कार हाईवे में जा रही थी और मोटरसाइकिल सवार अपने गांव के रास्ते से जहां हाईवे मिलता है वहां पर चढ़ा
तो दोनों की टक्कर हुई। तो वहाँ पर मोटरसाइकिल सवार जो सत्येंद्र सिंह भड़ारी कला का है उसकी मृत्यु हो गई है, और इसके साथ में जो महिला बैठी हुई थी वो घायल है, और कार भी जाके जो आगे खेतों में जाके फंस गई थी। दिव्यांग संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सोनी के नेतृत्व में दिव्यांगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP सिद्धार्थ बहुगुणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि जब जबलपुर में कोई VIP आते हैं तो उन्हें पुलिस और उसके सदस्यों को पुलिस प्रशासन और LIV उन्हें नजरबंद कर देती है, जैसे दिव्यांग जन कोई अपराधी हो। जब जब कोई भी बड़ा नेता जबलपुर आता है तब तब पुलिस प्रशासन दिव्यांगों को उठाकर थाने में बैठा देता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने इस प्रकार से दिव्यांगों को नजरबंद न करने को लेकर SP को ज्ञापन सौंपा है। हमारे दिव्यांग संघर्ष समिति के पदाधिकारी जो है उनको पुलिस प्रशासन और LIV जो विशेष पुलिस बल है उसके द्वारा परेशान किया जाता है। जब भी कोई VIP आता है जबलपुर में, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गृहमंत्री आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, तो हम लोगों को नज़र बंद करके ऐसा अपराधियों टाइप का व्यवहार किया जाता है कि जैसे हम लोग कोई अपराधी हैं। ऐसा व्यवहार हम लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? हम लोग अपने दिव्यांगों की आवाज़ लेकर शासन प्रशासन तक जाते हैं, वो भी कब, जब सोशल मीडिया में पूरी जानकारी देते हैं अपने मीडिया के माध्यम से इन तक, और संबंधित विभाग को भी जानकारी देते हैं, उसके बाद हम लोग कोई कार्यक्रम रखते हैं, उसके नहीं रखते तो हम लोग कोई जानकारी नहीं देते हैं, उसके बाद हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जबलपुर के भवरताल पार्क स्थित एक बाइक शोरूम में गुरुवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं आग लगने का कारण अभी अज्ञात बताया जा रहा है। इधर शोरूम में आग लगने की जानकारी संचालक द्वारा दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज थी कि इस पर काबू पाते पाते लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।